वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम सुमन. विंटर्स विंटर्स में क्रेविंग्स, क्रेविंग्स के साथ साथ प्रेशर वेट लॉस का, प्रेशर डाइट करने का, अच्छा दिखने का, वेडिंग में जाने का. और अगर हम खाएंगे तो हम मोटे दिखेंगे, हम नहीं खाएंगे तो हमारी क्रेविंग्स किल करेगी, रात को नींद नहीं आएगी. सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं डेली बेसिस पे आंसर करती हूँ अपने कुछ क्लाइंट्स के. और यहाँ पे मेरे को लगता है कि विंटर्स के साथ साथ क्रेविंग्स का आना और डाइट का ख़राब होना और फिर डाइट को संभाल के चलना, बिंज ईटिंग करना, बहुत ज़्यादा बिंज ईटिंग करना, सुबह प्रॉमिस करना मैं दोबारा नहीं करूँगी और रात को दोबारा बिंज ईटिंग करना. अगर हम डिनर में कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसकी हेल्प से आपकी बिंज ईटिंग हुई ना, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म हो जाए, आपका मीठा खाने का मन बंद हो जाए और आपको नींद बहुत अच्छी आ जाए, वो भी टाइम पर आ जाए, तो कितने मज़े वाली बात हो जाएगी. हमारा डाइट भी ख़राब नहीं होगा और जिन जिन के घर में वेडिंग्स आ रही हों उनका फिगर भी मेनटेन रहेगा. बात तो सही है. आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ दो ऐसी विंटर्स की रेसिपीज़ जिसको खाकर एक तो आपको फुल फील होगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म होगी और साथ साथ वो आपका वेट लॉस बहुत अच्छा देगा. सीधी सी बात है, अगर आपको कुछ लो कैलोरी का फूड मिल जाए जो बहुत ही यम्मी है और बहुत ही टेस्टी है, आपको बहुत अच्छे से नींद भी करा रहा है, आपका अगले बिंज ईटिंग नहीं होने दे रहा और अगले दिन तो नेचुरली आपका वेट कम आएगा ना, एंड उसके साथ साथ वो आपका स्टमक भी क्लियर कर रहा है. सो चलते हैं किचन में, बनाते हैं मेरी टॉप 2 रेसिपीज़. और ये वाली जो रेसिपीज़ है ये आप तब भी ले सकते हो जब आपको बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम बुखार है और जब हम दवाइयाँ खाते हैं, खाने का कुछ मन नहीं करता. तो अगर आप ये 2 रेसिपीज़ अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे वो आपकी तबीयत भी जल्दी ठीक करेगी, आपकी इम्यूनिटी पर वर्क करेगी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हील जल्दी करेगी. चलते हैं किचन में और बनाते हैं बहुत सिंपल सी मेरी 2 डिनर की विंटर्स की रेसिपीज़. ओके, यहाँ पर मैंने अपना पैन गर्म किया और उसके अंदर डाल दिया मैंने अपनी मूंगे की दाल. इसको हम थोड़ी देर पकाएंगे, जस्ट 2-3 मिनट्स सिम आंच पर अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे. इसको रोस्ट करने के बाद हम ग्राइंड करेंगे अच्छे से. अब इस पैन के अंदर हम डालेंगे घी 1 चम्मच, 2 चम्मच. इसके अंदर हम डालेंगे हमारा पिसी हुई मूंग दाल, इसको बहुत अच्छे से हम कुक करेंगे, पकाएंगे. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साथ साथ मेरे 2 चम्मच जितनी सूजी. खूब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे फॉर 2-3 मिनट्स सिम आंच पर. नेक्स्ट इसके अंदर अब मैं डालूंगी मेरे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे. अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा फुल फैट मिल्क. बहुत अच्छे से हम इसको पकाएंगे अभी. अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप और मिल्क, बिकॉज हमें ये थिक कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए, बिल्कुल हल्की कंसिस्टेंसी चाहिए. टोटल मैंने इसमें डाला 1 गिलास मिल्क. सो हियर वी गो, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के सर्व करेंगे अच्छे से. यहाँ पे 1 काजू लगा देंगे, यहाँ पे 1 और काजू लगा देंगे एंड इट्स रेडी. नेक्स्ट अब हम बनाने जा रहे हैं मखाना एंड ओट्स का शीरा. मुट्ठी भर मखाना, 2 चम्मच जितने रोल्ड ओट्स, इन सबको हम कर देंगे ब्लेंड बहुत अच्छे से. हमने लिया पैन, पैन के अंदर डालेंगे हम 1 चम्मच जितना घी, उसके अंदर हमारे पिसा हुआ मखाना और हमारा ओट्स. इसको अच्छे से भूनने के बाद 2-3 मिनट हार्डली मैंने डाल दिया इसमें मिल्क. इसके अंदर जैसे ही मैंने मिल्क डाला
इसमें डालेंगे हम एक चम्मच जितना हमारा जैगरी पाउडर। गैस को कर दिया मैंने बंद और ये अच्छे से मिक्स करेंगे एंड इट्स रेडी। इसमें थोड़े से हम ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे आपकी मर्जी के अनुसार। शीरा को सजा के खाएंगे, मीठा खा रहे हैं तो। एंड हियर वी गो, वेलकम बैक जी। सो ये बहुत ही सिंपल रेसिपीज है, डू गिव इट अ ट्राई एंड लेट मी नो आपकी कौन सी वाली फेवरेट है। एंड अनदर पार्ट, जिन जिन लोगों को लगता है कि सर्दियों में वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है बिकॉज खाने के बहुत सारे ऑप्शन है, खाओ बट सही समय पे सही फूड खाएंगे, गलत समय पे गलत फूड नहीं खाएंगे। एक मेरी क्लाइंट है, उसकी सिंपल सी बात बताती हूँ। वो रोज़ रात को किचन में जाती है, खोलती है, बिंज ईटिंग करती है, अगले सुबह वेट चेक करती है और फ़ोन पे बहुत ज़ोर से रोती है। फिर वो सेम रात को करती है, बिंज ईटिंग करती है, खाती है और अगले सुबह फिर रोती है। तो उसने कहा ये कब तक, कैसे और कहाँ तक चलनी है स्टोरी। जब मैंने उसको ये दो रेसिपीज इंट्रोड्यूस करके दी कि यार तू ये ले और इसको खा के सोने की कोशिश कर, उसकी बिंज ईटिंग नहीं हुई एंड सबसे अच्छी चीज़ है उसको नींद बहुत अच्छी आई। सो आपको समझ आया ये वीडियो क्यों है। सो या दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टेक केयर जी, बाय बाय।